हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और कैसे चल रहे हैं आज आपके विंटर के रेसिपीज? आई होप अच्छी अच्छी रेसिपीज विंटर में एंजॉय कर रहे होंगे आप सभी लोग। और मेरे चैनल की रेसिपीज कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एक इंटरेस्टिंग वीडियो एक नई रेसिपी के साथ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आज शेयर कर रही हूँ ना शादियों वाला मटर पनीर, घर पर बहुत ही आसानी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इस रेसिपी से ना आप घर में, परिवार में सभी की तारीफ पाएंगे और सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो बस आज के दिन की शुरुआत सुबह डेली की तरह मंदिर में पूजा की। सबसे पहले उठकर मैंने, हाँ, सुबह के काम निपटा लिए, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, उसके बाद नहा कर पूजा की है। और अब यहाँ पर बाकी भी सभी उठ गए हैं, गुप्ता जी उठ गए, नहाने गए हैं, नैतिक उठ चुका है। और बस अब मैंने यहाँ पर बिस्तर मुझे सही करना है, तो ब्लैंकेट, देखिए सर्दियाँ हैं ना तो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं फिर वैसे ही रह जाते हैं। और जब तक ये काम शुरू ना करूँ ना तो मतलब ऐसा लगता ना कि सारा काम पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो यही काम होता है कि बैठ शुरू करूँ, साथ के साथ ना नैतिक आज छुट्टी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बस कुछ चीज़ें उसने फैला रखी तो उसी वजह से मैं उसे कुछ बोलते जा रही हूँ, बताते जा रही हूँ और समझा भी रही हूँ साथ साथ की, साथ में वो भी अपनी कुछ बातें मेरे साथ कर रहा है यहाँ पर। तो बस इस बीच सुबह सुबह माँ बेटे की थोड़ी सी हो गई है गपशप यहाँ पर, काम करते करते ना इसी तरह से बस बातें होती रहती हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े होते आते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ समझते हैं, और बस इसी तरह से ना बातें होती हैं। और ज़्यादा टाइम तो क्या होता है, बच्चे भी या तो पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं या फ़ोन ले लेते हैं या तो टीवी, और हम भी कुछ अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो बात करने का भी समय ना आजकल तो एक दूसरे के साथ बहुत कम मिलता है। फिलहाल मेरा जब तक भी मॉर्निंग का काम निपटता नहीं है ना, बिल्कुल मैं फ़ोन भी नहीं हाथ में ले पाती हूँ और बैठने की फुर्सत फिलहाल होती ही नहीं है। बस बच्चों को यहाँ पे कुछ बातें समझा दी और बस यहाँ पर चादर ठीक के गुप्ता जी बस नहा के आने ही वाले हैं। सुबह का नाश्ता बना लिया, आज ना पराठे बनाए थे गोभी के, तो गोभी के पराठों की रेसिपी शेयर की थी इसलिए यहाँ शेयर नहीं किए, वीडियो लंबी हो जाती है। जब भी कुछ नया लेकर आती हूँ ना तो आप लोगों के लिए कुछ नया और बेहतर शेयर करती हूँ, जो कि पहले मुझे खुद अच्छा लगता है तो उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस यहाँ पे बिस्तर भी बातों बातें करते करते ठीक हो चुका है और ब्लैंकेट मैंने फोल्ड किया और नैतिक को देखिए बस हाथ में ले लिया है फ़ोन, और श्रुति अपने दूसरे रूम में जा चुकी है उठकर। बस यही है, सर्दियाँ हैं तो नहाना तो जल्दी होता नहीं, ठंड लगती है वैसे तो ही नहीं, और देखिए कंबल ओढ़ना भी नहीं है, वैसे आराम से पड़े हुए हैं। और बस सारा दिन अब इसी तरह रहेगा, यहाँ पर मैंने कारपेट बिछा ली। और हाँ, अलमारी, सभी अपने कपड़े लाकर ना एक ही अलमारी में, मेरी ही अलमारी में डाल रखे हैं, नैतिक ने भी, श्रुति ने भी। फिर गुप्ता जी को सुबह सुबह प्रॉब्लम हो जाती है, उनके कपड़े नहीं मिलते, और आजकल तो प्रेस नहीं कर पा रही हूँ ना, रोज़ मुझे तुरंत प्रेस करके देने पड़ते हैं कपड़े, तो सोच रही हूँ सारे कपड़े बाहर कर दूँ और इकट्ठे प्रेस करके रखूँगी। तो उनके छोटे छोटे कपड़े ना अलग कर रही हूँ, सभी के कपड़ों को यहाँ मैं अलग कर ले रही हूँ, आज यही काम निपटाऊँगी कि काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा। अलमारी ना मेरी मतलब इतना भर दिया है ना, विंटर के भी कपड़े, समर के भी कपड़े, सब कपड़े इन लोगों ने भर दिए और सारे एक चीज़ ढूंढते हैं और उलट पुलट करके रख देते हैं। गुप्ता जी के कपड़े निकाल कर साइड में रख दिए मैंने, अभी प्रेस करना है। और आज ना काफ़ी दिनों बाद सोचा चलो आज अपने हाथों का रंग रोगन भी कर लिया जाए, नेल पॉलिश लगा ली जाए, काफ़ी दिन हो गए थे लगाए ही नहीं थे तो आज लगा ली। बस दोपहर के काम निपटाने के बाद ना शाम को कर रही हूँ डिनर की तैयारी, तो मटर पनीर की हो रही है तैयारी। प्याज काट कर पानी में डाल दिए थे, मटर उबलने के लिए रख दिए थे, फ्रेश मटर है। और हाँ, एक खास टिप्स, जब भी प्याज काटे ना आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो प्याज को छील कर दो टुकड़े करके ना पानी में डाल दो 10 मिनट के लिए, आराम से उसके बाद काटिए, बिल्कुल भी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। और पनीर यहाँ काट लेते इतने बड़े बड़े टुकड़ों में, बस फ्राई पैन में तेल गरम किया और यहाँ पर पनीर को ना हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। आज ना पनीर इस तरह से फ्राई करके ही बनेगी मटर पनीर की सब्जी, और ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी अगर आप घर में बनाओगे ना तो सभी छोटे बड़े उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप तारीफ पाते रहोगे और तारीफ पाते थकोगे भी नहीं, इतनी तारीफ मिलेगी आपको। डेफिनेटली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, शादियों वाला मटर पनीर बिना इसके आगे तेल है। आप ट्राई करना रेसिपी और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसी लगी रेसिपी और आपके घर में कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी फैमिली का। बस पनीर फ्राई करके ना गुनगुने पानी में ना नमक डालकर रख दिया था, इससे पनीर सॉफ्ट होंगे, चीवी नहीं होंगे।
तेल गरम किया कढ़ाई में, उसमें प्याज 3 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से लंबे लंबे काट कर ना डाल दिए हैं। बस प्याज को हल्का गुलाबी करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसी तरह चलाते हुए प्याज को लगातार फ्राई करें। हाँ गुप्ता जी आ गए थे ना इवनिंग में, और जब भी ऐसी कोई डिश होती है ना तो बस प्रिपरेशन करने में मेरी मदद लेते हैं और बाकी फिर वो खुद ही अपना हाथ चलाते हैं। लहसुन अदरक हरी मिर्च को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर डाल दिया है। 12 से 14 लहसुन की कलियां हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसमें से ना थोड़े से अदरक के टुकड़े को लंबे लंबे लच्छे हमने काट लिए ऊपर से सब्जी में डालने के लिए। और थोड़ा सा पनीर यहाँ पर ऐसे ही बचा लिया, ऊपर से मैश करके भी सब्जी में डलेगा। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ों को इस तरह फ्राई किया। और इसे देखिए बस 2 मिनट के बाद यहाँ टमाटर लिए थे, 4 मीडियम साइज के टमाटर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया, उसे यहाँ ऐड कर दिया है। बस अब टमाटर को मीडियम आँच रखना है फ्लेम गैस का, और यहीं पे ना हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे। पिंक सॉल्ट ऐड किया है और अब यहीं पे साथ में ना थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी ग्रेवी, एक ग्रेवी बना रहे हैं हम, और ग्रेवी को एक अच्छा सा कलर भी मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बस मिला लिया है, और अब ढक कर धीमी आंच पे ना सॉफ्ट कर लेना है सभी चीज़ों को। और इस तरह से ना कड़छी की सहायता से इसे मैश करते रहेंगे। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए थे और टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। टमाटर का जो मॉइस्चर रिलीज होता है ना, उसी से बाकी प्याज टमाटर भी हमारे पक गए हैं। बस अब इस ग्रेवी को इसे 2 मिनट और पकाना है, और उसके बाद अच्छी तरह से मैश कर लेना है हमें इस तरह से, और ठंडा करने के लिए रखकर 10 मिनट छोड़ देना है, और उसके बाद उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। अभी यहाँ पर ग्रेवी का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस एक स्टेप पूरा हुआ है, अभी प्रोसेस आगे बाकी है। ये तो सिर्फ एक वन कहते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ी है अभी हमने। अगर टेस्टी रेसिपी खानी है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करते हुए आगे बढ़ना ही होगा ना, तभी तो आप तारीफ पाओगे फैमिली की। बस अब उसे हमने पीस लिया ठंडा करके, यहाँ पे उसी कढ़ाई में तेल गरम किया है, कुछ खड़े मसाले डालेंगे अब हम यहाँ पर। तो यहाँ डाल दूंगी मैं 1 तेज पत्ता। गुप्ता जी लगे हुए, और मैं पीछे से मसाले हाथ में देती जाती हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन में ना बस पीछे से सामान उन्हें देते जाओ और वो फिर सब्जी बनाते रहेंगे, सामान उन्हें मिलना चाहिए टाइम पर। बड़ी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी डाल दिया है, गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और बस मसाले हल्के हल्के जब लाल हो जाएंगे ना, खड़े मसालों में आप चाहे तो छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ, यहाँ पर मुझे ज़्यादा खड़े मसाले पसंद है, क्योंकि इन्हीं का फ्लेवर मुझे पसंद है। 1 बड़ा चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाल दिया है, गैस का फ्लेम लो ही रखना वरना सूखे मसाले हमारे जल जाएंगे। बस 1/4 चम्मच गरम मसाला, और धीमी आंच पे ना मसालों को एक बार मिला लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी हमने ग्रेवी में भी डाल रखी है, और इससे हमारी सब्जी को अच्छा कलर मिलेगा। बस मिला लिया है यहाँ पर, और 1/4 चम्मच से भी कम ना तीखी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी पीस रही है हमने, तो तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रखना, और वैसे हल्की स्पाइसी सब्जी अच्छी लगती है। और फिर दोबारा से ऐड किया यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही ना पनीर जो पानी में भिगो रखे थे वही पानी यहाँ पर ऐड कर दिया 2 चम्मच, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। बस थोड़ा सा पानी और ऐड किया 2 से 4 चम्मच के करीब, और मसालों को ना बस धीमी फ्लेम पर 3 से 4 मिनट ना भून लेना है चलाते हुए। और इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है ना जब मसाले भूनोगे ना आप, और तो जब तेल सेपरेट होने लगेगा ना, तो बस उतना ही हमें इन मसालों को फ्राई करना है। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 3 से 4 मिनट। और जैसे ही मसाले हमारे तेल छोड़ने लगेंगे, यानी तेल सेपरेट होने लगेगा ना, बस इसी स्टेज पे जो प्योरी हमने बनाई है ना प्याज टमाटर वाली, उसे यहाँ कर देनी है ऐड। और बस अब ग्रेवी हमने डाल दी है, बस उसे अच्छी तरह से मसालों में मिला दीजिए, लगातार चलाते हुए 2 मिनट कम से कम इसे रखिए। और हाँ पानी गुनगुना ही ऐड करना है, तो गुनगुना पानी यहाँ पर मैंने कर लिया है, और जो मिक्सर जार में टमाटर पीसा था ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लिया, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी लगी हुई थी। बस थोड़ा पानी यहाँ ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट धीमी आँच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। इससे क्या होगा, ग्रेवी पक जाएगी और तेल सेपरेट होने लगेगा, उस स्टेज तक हमें इसे पका लेना है। थोड़ा सा पानी यहाँ गुनगुना ऐड किया है मैंने, बस अब इसी अच्छी तरह से मिलाकर हम ढक देंगे।
और साथ ही मैंने यहाँ पर ना कम से कम 200-250 ग्राम यानी कटोरी के हिसाब से ये 1.5 कटोरी मटर है उबाल ली थी मैंने, फ्रेश मटर है। आजकल फ्रेश मटर आ रही है ना, मीठी लगती है खाने में, अच्छी लगती है। मटर डाल दिया था और ग्रेवी के साथ ही ना पकने के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। जब तेल ऊपर ऊपर सेपरेट होने लगा था ना, पनीर जो फ्राई करके हम पानी में डाले थे ना, वो ऐड कर दिया। हाँ, पानी जो पहले ऐड किया है ना हमने ग्रेवी में, वो पनीर वाला पानी हमने पूरा ऐड कर दिया है। नमक था उसमें तो नमक आप उसी हिसाब से डालें। और बस देखिए पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद ना बस ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। और अच्छा सा उबाल आ गया, देखिए सब्जी पकते हुए 2 मिनट हो गए। ऊपर से ना बस 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इससे ना जब शादी वाला मटर पनीर बना रहे हैं ना, तो मसाला गरम मसाले का फ्लेवर जो है ना स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है, इससे खुशबू भी बनी रहती है मसालों में। तो बस गरम मसाला डाल दिया और मिला लिया है यहाँ पर अच्छी तरह से। मेरी फैमिली में तो सभी ने की तारीफ और उंगलियां चाटते रह गए। और सब्जी सच बताऊँ ना, इतनी सब्जी बनी थी ना कम पड़ गई है। और हाँ, ये सब्जी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है ना, पनीर वनीर बनाओ तो दो मतलब सुबह बनाओ तो इवनिंग का भी काम हो जाता है, शाम में दाल वाल कुछ बना लो तो हो जाता है इस तरह से। बस थोड़े से वो अदरक के लच्छे जो हमने बचा रखे थे वो डाल दिए, और पनीर जो बचा रखे थे उस तरह मैश करके डाल दिया है। पनीर की सब्जी तो बच्चों की फेवरेट होती है। बस दूसरे टाइम पे क्या होता है कि सब्जी जो रहती है दाल फ्राई बन जाएगी या कोई सूखी सब्जी उसके साथ, ये आलू गोभी की सब्जी पनीर के साथ में मोस्टली पसंद करते हैं, तो वो बन जाती है, तो इंजॉय कर लेते हैं इसी तरह से। तो बस इस तरह से जो काटे थे ना अदरक और पनीर मैश करके डाल दिया और ढक दिया है 2 मिनट के लिए। अब यहाँ डाल दिया है कसूरी मेथी क्रश करके, रोस्टेड कसूरी मेथी, और अच्छी तरह से मिला दे। कसूरी मेथी से ना फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है सब्जी का। बस अब यहाँ पर लास्ट हमने डाल दिया है मलाई, दूध की मलाई डाली है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हो आप। विंटर में तो मोस्टली सभी घी निकालते हैं अपने दूध की मलाई से, तो मलाई तो मोस्टली सभी के घरों में अवेलेबल होती है। वैसे मेरी बचती नहीं है क्योंकि हम यूज़ कर लेते हैं अधिकतर। और ये देखिए सब्जी देखिए ज़बरदस्त है ना, देखने में ज़बरदस्त, और खाने में ना इसका टेस्ट मज़ेदार। अब सब्जी बनी है इतनी टेस्टी और शादियों वाला टेस्ट आ रहा है मटर पनीर का, तो भाई फिर उसके साथ नॉर्मल रोटियां थोड़ी ना चलेंगी, बस पराठे बनना है कुछ स्पेशल। तो बस यहाँ पर इस तरह से रोटी बेल ली थी, थोड़ी रोटी के साइज से ना बड़ी लोई ली थी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़का है, और हाँ आटे में ना नमक गूंद लिया था मैंने, हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा सूखा आटा तेल लगाकर सभी चीज़ों को इस तरह से फैला दिया था, और इस तरह से ना कट लगाकर फोल्ड कर लिया है। इसे चाहे तो आप इस तरह से दबाकर गोल भी बेल सकते हो या ट्रायंगल शेप में भी बेल सकते हो, और इसके लच्छे ना इतने आराम से निकल जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से इसे आप बेल लीजिए सूखा आटा लगाकर। तो इस सब्जी के साथ ना बस पराठे भी काफ़ी इंजॉय किए हैं, और फैमिली में ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मतलब कुछ तो डेली रूटीन के साथ साथ कुछ चेंजेस आते हैं, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है ना हमें भी जब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आती है, और फैमिली अगर खुश हो तो बस हम भी खुश। तो बस यहाँ पर इस तरह से देखिए पराठे से कभी तो एक गोल बनाया है मैंने, इसके बाद एक ट्राइंगल भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। पॉसिबल नहीं होता है कि मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, काफ़ी लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। काफ़ी अच्छा देखिए बना है, यहाँ ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ मैं। इंजॉय करेंगे आप ये रेसिपी ट्राई करना अपने फैमिली में, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप, आपकी फैमिली और तारीफ पाएंगे आप, और आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया होगा आपने तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर देना, मुझे बताना रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर करना, और कैसा रिस्पॉन्स रहा फैमिली का कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ 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 बेल आइकन प्रेस करना, अब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी पैसे आपके नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पराठा बनाया था, लेयर्स किस तरह से खुल रही हैं, और एकदम गोल्डन क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो गया। बस यहाँ पर मैंने डिनर की थाली लगाई है गुप्ता जी की, बच्चों को तो गर्मा गर्म पराठे बनाते ना साथ साथ दे दिया था, तो उनसे रुका नहीं गया, बस उन्होंने कर लिया लंच। गुप्ता जी की थाली लगाई मैंने, पनीर साथ में गर्मा गर्म राइस, देखे खिले खिले चावल कुकर में बनाए हैं, और खिले खिले एक दाना अलग हो गया, साथ में पराठे मसाला लच्छा पराठा, साथ में कुछ प्याज लच्छेदार हरी मिर्च। इंजॉय किया आज का डिनर, आइए हमारे साथ डिनर कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।